नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पाकिस्तान की नापाक हरकतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि उसको अब ये भी फिक्र नहीं है कि अगर उसकी ऐसी हरकतों को देखकर पूरी दुनिया ने उससे किनारा कर लिया तो फिर उसकी क्या हालत होगी। आधी से ज्यादा दुनिया तो उसकी आतंकी गतिविधियों के चलते उससे कन्नी काट ही चुकी है, लेकिन अभी भी पाक है कि बाज आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अभी तो पाकिस्तान का कोई ना कोई मंत्री पाकिस्तान और भारत के बीच में माहौल शांत होने ही नहीं देता। पहले तो उनके प्रधानमंत्री और अगर प्रधानमंत्री चुप भी हो जाएं, कुछ दिन के लिए शांत हो भी जाएं, तो उनके कोई और मंत्री तब तक अपना एक शिगुफा ऐसा छोड़ देते हैं कि विवाद खड़ा हो जाता है। अब पाकिस्तान के एक मंत्री अली अमीन गंडापुर ने अपने बयान से पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव को और हवा दे दी है, साथ ही बाकी दुनिया को भी चेतावनी दी है। एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री अली अमीन ने कहा कि जो देश कश्मीर मसले पर भारत को सपोर्ट करेगा उस पर मिसाइल दागी जाएगी। आप भी देखिए मंत्री अली अमीन का वायरल होता ये वीडियो। जो भारत के साथ है वो भी ये सुन ले कि कल को अगर भारत के साथ हमारी कशीदगी उस हद तक गई कि हम जंग पे मजबूर हो गए क्योंकि दुनिया इस मुदाखलत नहीं कर रही इस मसले के ऊपर, तो फिर वो समझ गए इस बात को। अगर वो भारत के साथ है तो अगर एक मिसाइल भारत पे जाएगा एक मिसाइल उस पर भी जाएगा, तैयार रहे इस चीज के लिए। दरअसल कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान मामलों के मंत्री अली अमीन हैं, जिन्होंने दुनिया को चेताने से पहले एक बार भी अपनी हालत के बारे में नहीं सोचा कि अगर पाकिस्तान की इन्हीं सब हरकतों को देखकर दुनिया ने उससे पल्ला झाड़ लिया तो फिर पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे। एक बार आप फिर सुनिए क्या कहना है मंत्री अली अमीन का, जो साफ तौर पर दुनिया को चेतावनी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि कश्मीर को लेकर भारत के साथ तनाव बढ़ता है पाकिस्तान को युद्ध के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जो देश ऐसे में भारत का समर्थन करेंगे उन्हें हम दुश्मन मानेंगे और भारत के अलावा उन देशों पर भी मिसाइल दागी जाएगी। जो भारत के साथ है वो भी ये सुन ले कि कल को अगर भारत के साथ हमारी कशीदगी उस हद तक गई कि हम जंग पे मजबूर हो गए क्योंकि दुनिया इस मुदाखलत नहीं कर रही इस मसले के ऊपर, तो फिर वो समझ गए इस बात को। अगर वो भारत के साथ है तो अगर एक मिसाइल भारत पे जाएगा एक मिसाइल उस पर भी जाएगा, वो तैयार रहे इस चीज के लिए। दरअसल पाकिस्तान की पत्रकार नायला इनायत ने ही पाकिस्तान के इन मंत्री साहब का ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है और लग रहा है मानो सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही अपने ट्वीट के जरिए चेता रही हैं। लिख रही हैं, आई होप ट्रंप रिसीव्ड द मैसेज। बता दें कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद से ही पाकिस्तान भारत से डर गया है और उस डर के चलते वो कुछ भी बयानबाजी कर रहा है जिससे भारत क्या दुनिया का कोई भी देश डरेगा तो नहीं, हाँ हंसेगा जरूर, क्योंकि पहले पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है और उसके बाद जब लगे कि उसके देश में सब ठीक है तब आगे बढ़कर अन्य देशों के खिलाफ कुछ बोलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पर तो वो कहावत सिद्ध होती है जिसमें कहा गया है कि घर में नहीं चना और अम्मा चली भुनाने।